आखिरकार 18 मार्च से बंद जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड सफारी को खोल दिया गया है। शुरुआत के पहले दिन सभी जगहों पर पर्यटकों की आवाजाही नजर नहीं आई। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को सैनिटाइज किया गया। एसटीएफ जगदीश गुप्ता ने बताया कि पर्यटकों के प्रवेश करने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनकी एंट्री होगी। साथ ही पर्यटकों और स्टाफ कर्मियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादातर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ उठाए, वहीं सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। राज्य सरकार ने फर्स्ट अनलॉक में उसको खोल दिया गया है, जिसमें खोलने के में जो काफ़ी एहतियात बरती जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक जो विजिटर आएगा पार्क के अंदर, जो विजिटर आएगा उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग टिकट विंडो सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया है, ताकि टिकट लेते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके साथ साथ हमारा बेसिक उद्देश्य पब्लिक को ये कहना रहेगा कि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन टिकट लेके आवे, ताकि किसी तरह की वो सोशल डिस्टेंसिंग के उनको जरूरत नहीं पड़े और किसी दिक्कत नहीं होगी।